हमने बनाई है अरबी और गोश्त, मसालेदार वाली, खड़ी वाली और बड़ी मज़ेदार। चले आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, कि ये सारा कुछ हमने कैसे किया। अपनी रेसिपी की तरफ, चार मैंने प्याज मीडियम वाले काट लिए, टमाटर, हरी मिर्च और मेरे पास लहसुन है। मेरे मसाला जात में मेरे पास नमक है, मिर्च और हल्दी वगैरह। बर्तन में मैंने एक गिलास पानी का लिया है, उसके अंदर पहले मसाला जात डाल दिए हैं। तो अब उसके अंदर जाते हैं ये सारे लवाजमात। इसको हम मीडियम आंच पे 20 मिनट पका लेते हैं, तो सब कुछ जो है ना स्मूथ हो जाए। कटिंग हमने कर दिया, ये देखिए बारीक बारीक स्लाइस मैंने काट दी है। इसको नमक लगा के 10 मिनट रखेंगे, 10 मिनट के बाद हम अच्छे से वॉश करके इसको फिर हम फ्राई करते हैं। हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। दूसरी साइड पर मैंने चिकन को फ्राई करना रख दिया है। 2 kg मेरे पास चिकन था, इसको अच्छे से धो के तो इसको मैंने फ्राई करना रख दिया। उतनी देर में प्याज स्मूथ हो जाते हैं, उतनी देर में जो है ना हमारा चिकन जो है ना फ्राई हो जाता है। फ्राई हो चुका है और मसाला भी हमारा बड़ा अच्छे तरीके से मैश हो गया हुआ है। अब हम चिकन को डालते हैं मसाले के अंदर। चलिए जी, चिकन सारा हो गया है। अब हमारा जो ऑयल चिकन वाला बचा था ना, इसी ऑयल के अंदर अब हम अरबी को फ्राई करेंगे। देखें जी, अरबी बड़ी अच्छे तरीके से मैंने धो दिया है। एक दफ़ा मधानी लगा के इसकी सारी लेस वेस मैंने निकाल दी है। 2, 3, 4, 5 पानी से मैंने वॉश किया, क्योंकि जितनी ये अच्छी धुलेगी उतनी ही अच्छी फ्राई होगी और खाने भी जितनी ज़्यादा क्रिस्प आएगा। वही वाला ऑयल है, इसके अंदर अब हम अरबी डालते हैं। अरबी को पहले मैं मेंशन कर दूँ, मैंने नमक लगा के रखा था 15 मिनट के लिए। अब इसको हम फ्राई करते हैं। डाल दिया है और इसके अंदर भून रही हूँ। कोई मैंने ऑयल वाइल नहीं डाला, क्योंकि जो हमारा अरबी में ऑयल बचेगा ना वही इसके अंदर जाएगा। एक मैंने टमाटर काट लिए और हरी मिर्चें काट ली हैं, और मेरे पास गरम मसाला है, चिली फ्लिक्स हैं और सूखा धनिया क्रश हुआ हुआ। इसके अंदर ये मसाला जात भी डालते हैं, और ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। दूसरी साइड पे मैं आपको अरबी की करंट सिचुएशन दिखाती हूँ। ये देखें जी, अरबी हमारी कितनी बारीक मैंने काटी हुई है, कोई ये लेसे वैसे नहीं छोड़ेगी, ना ही ये टूटेगी। जो ही ये गलती है तो ये भी ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। हमारी डन हो गई हुई है। अब हम अरबी को दूसरे बर्तन में, गोश्त वाले बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, और साथ जो ऑयल हमारा बच गया ना अरबी वाला, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। अरबी मैंने सारी ट्रांसफ़र कर ली है, साथ जो हमारा ऑयल बचा था वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको ना थोड़ा सा दम लगा के पकाती हैं, जो हमारे टमाटर थे वो भी अच्छे से गल जाए, और जो अरबी में कसर थी थोड़ी बहुत वो भी हमारी सही हो गई। 10 मिनट हम इसको दम पर रख देते हैं। दम के बाद अरबी की करंट सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये डन है, और देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आया। इसके ऊपर मैंने धनिया स्प्रिंकल कर दिया। चले तो आए, मैं आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। मज़ेदार किस्म की हमारी अरबी और चिकन पाके बिल्कुल रेडी है। मसालादार अरबी और बिल्कुल खड़ी तड़ी है, बिल्कुल भी ये मैश नहीं हुई, ना ही इसमें लहसुन वैसे हैं। रेसिपी सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।